लास्ट लेक्चर तक बेटा हम लोग पढ़ चुके थे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दैट मींस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो कितने कितने अमाउंट में मिलते हैं, एंड व्हाट आर ऑल देयर फंक्शंस, कैसे वो हमारे ब्लड को फॉर्म करने में और ब्लड के लिए इंडिविजुअली किस तरीके से अलग अलग रोल प्ले करते हैं, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने ब्लड को इतना डिटेल में क्यों पढ़ा, बिकॉज इन आवर फिजियोलॉजी ब्लड हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड या सर्कुलेटरी फ्लूइड तो है ही है, साथ ही साथ कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में कहीं चोट लग गई तो वहां से रिसने वाले ब्लड को रोकने के लिए, कि ऐसा ना हो कि कहीं न्यूट्रिएंट्स का ही लॉस हो जाए, तो उस लॉस को रोकने के लिए भी ब्लड के कॉम्पोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हर इंडिविजुअल के ब्लड की एक आइडेंटिटी है, उसका एक ब्लड ग्रुप है, और उसे भी यही कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं, राइट? सो वील बी स्टडिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ब्लड, जिनमें सबसे पहली बारी आती है अबाउट ऑफ ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन मतलब होता है बेटा खून का थक्का जमना. जब कहीं चोट लगती है तो उसमें थक्का जब जमेगा तो उसे कहा जाता है ब्लड कोएगुलेशन, राइट? सो वॉट इज ब्लड कोएगुलेशन? आप इसको बोल सकते हो थक्का जमना, राइट? थक्का जमना, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में तो कहा जाता है इसे रक्त स्कंदन, दो इट इज नॉट ऑफ यूज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, बट देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हिंदी में क्या बोलेंगे, सो आई कैन नॉट गिव यू अ कंप्लीट लेक्चर इन हिंदी एज ऑफ नाउ, बट अ फ्यू टर्म्स आई कैन टेल यू इन हिंदी, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. बेटा ब्लड क्लॉटिंग को सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था, so it was first explained by scientist called MacFarlane. और ये जो MacFarlane थे, इन्होंने coagulation को लेकर के एक theory propose की. so he proposed कैस्केड थ्योरी ऑफ कोएगुलेशन, राइट बेटा? और इस जो कैस्केड थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कैस्केड की तरह एक के बाद एक काम करना शुरू करेंगे, यानी इन अ सीक्वेंस, दे हैव गॉट अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ देयर ओन, और उसी सीक्वेंस में वो काम करते हैं. सो कैस्केड थ्योरी सेज दैट देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ coagulation. So now the question is, which all are those 13 clotting factors? So इनके बारे में बात कर लें एक बार. See beta, 13 clotting factors के बारे में nobody is gonna ask you because that's not in your syllabus. But फिर भी क्योंकि students में बस सवाल लेके आएंगे मैम पुराने किसी module के अंदर या किसी book में question दिया हुआ है. So I have given you a list of these 13 clotting factors. कौन कौन से वो clotting factors हैं एक बार ध्यान से सुन लोगे आप. So that's the list of those 13 clotting factors जो कि मदद करेंगे in coagulation according to the cascade theory which was proposed by MacFarlane. बेटा हैं कौन कौन से जो highlighted हैं, केवल वही clotting factors आपको पढ़ने हैं. That's not really needed कि आप सारों को याद रखें. There are, और वैसे भी जब आप इसका mechanism पढ़ते हैं, coagulation mechanism आप जो पढ़ेंगे, so as per NCERT a simplified mechanism has been given. There is no intrinsic or extrinsic pathway given there. तो आप इन चीजों में अपना दिमाग, अपना टाइम वेस्ट ना करें. दैट्स माय एडवाइस. बाकी दैट्स अप टू यू. यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, ट्रस्ट मी. हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है फॉर फाइटिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो लेट्स गो फॉर इट, राइट? दोस क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कौन कौन से बेटा? फर्स्ट वन, एज आई हैव हाईलाइटेड, दैट इज कॉल्ड द फिब्रिनोजन. सेकेंड वन इज प्रोथ्रोम्बिन. थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. नंबर फोर इज कैल्शियम. नंबर फाइव लेबाइल फैक्टर और प्रो एक्सिलरिन. सेवेंथ वन, अभी जिससे कि मैम सिक्स्थ कहां गया, तो बेटा बाद में पता चला कि सिक्स्थ इज प्रो एक्सिलरिन का ही एक्टिवेटेड फॉर्म, तो इसलिए सिक्स्थ को यहां नहीं लिखा जाता. दैट्स रियली गुड न्यूज फॉर यू. 13 नहीं, अब 12 याद रखने हैं. द सेवेंथ वन इज स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिन. एट वन इज एंटी हीमोफीलिया ए फैक्टर. नाइन्थ वन क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफीलिया बी फैक्टर.
10th one is Truewort power power factor. 11th one is plasma prothrombin antecedent. 12th one is Hagman factor, and 13th one is Loki-Laurin or fibrin stabilizing factor. बेटा इनमें से जो 12th and 13th हैं, इन दोनों के ऊपर इनके जो ये नाम है Hagman factor और Loki-Laurin factor, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, that's why these are important. 10th पर भी सेम केस, वहीं पर 8th and 9th के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इनके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स पर. सो आई हैव रिटन इट हियर. जो 8th वन है एंटी हीमोफीलिया ए फैक्टर, इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है हीमोफीलिया ए, या जिसे रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के अंदर ये डिजीज पाई गई है. वहीं पर 9th वन द क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफीलिया बी फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है हीमोफीलिया बी, राइट. बाकी जो फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड इनफैक्ट 10th वन, इनके बारे में हम आगे मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दैट सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. आई होप इट इज क्लियर टू दिस पार्ट. सो मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं और आपको दोबारा से वापस लेके चलूंगी मैं इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स पर. आपको लगेगा कि मैम ने इन्हीं पर्टिकुलर को हाईलाइट क्यों किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, राइट. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन. सो इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ही कहीं पर चोट लगती है जो कि इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकती है, यानी बॉडी के अंदर भी चोट लग सकती है, हो सकता है कैपिलरी कहीं से फट जाए या बाहर कोई घाव हो गया जिसमें से आपकी ब्लड वेसल्स में से खून रिसना शुरू हो गया, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, द प्री रिक्विजिट फॉर ब्लड कोएगुलेशन टू स्टार्ट इज इंजरी टू द टिश्यू, राइट. जैसे ही बेटा टिश्यू को इंजरी हुई तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के दो कंपोनेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक तो डिफेंस करने वाली प्लेटलेट्स और साथ ही साथ जो इंजर्ड टिश्यू है दोनों, राइट राइट बेटा. दोनों से ही निकलता है एक क्लॉटिंग फैक्टर जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. अगर ऊपर ध्यान दिया हो लिस्ट पर तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3rd. शुरुआत हो गई, राइट. जैसे ये निकलेगा बेटा ये ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस को कैप्चर कर लेगा, यानी उनकी प्रेजेंस में काम करना शुरू करेगा, और ये जो कैल्शियम आयंस है इसी वजह से इनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4th, राइट. इट स्टार्ट्स एक्टिंग और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से बन जाएगा प्रो थ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज नाम का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे आप स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी बोलते हो. अब समझ में आ रहा है कि मैंने नंबर 10 को भी हाईलाइट क्यों किया था. सो देयर वाज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, इसके दो और नाम है जिनको मैंने यहां मेंशन किया है. दिस इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10th. बेटा ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है. ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हेपारिन, दैट मींस जो एंटी कोएगुलेंट है, पहला तो ये उसे एक्टिवेट कर उसे डीएक्टिवेट कर देगा. हेपारिन का काम है एंटी कोएगुलेंट के फॉर्म में काम करना, यानी ऐसा ना हो कि अननेसेसरी बॉडी के अंदर जगह जगह खून के थक्के बन जाए, तो खून का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा ना, तो ब्लड फ्लो को कहीं कहीं हिंड्रेंस क्रिएट ना हो इसलिए हमारी बॉडी में एंटी कोएगुलेंट नेचुरली प्रेजेंट है. बट अगर हमें अब थक्का जमाना है तो पहले उस एंटी कोएगुलेंट को शांत करना पड़ेगा, राइट. सो यही फंक्शन होता है सबसे पहला. अब जाकर के पहले सबसे पहले लेवल पर इस एंटी कोएगुलेंट को ही हम इनहिबिट करेंगे, राइट. सो इट इनहिबिट्स
What it inhibits? Heparin. समझ में आ गई बेटा? So, जैसे ही हेपेरिन इनहिबिट हुआ अब ये अपने फर्दर कामों में लग जाएगा. वॉट इट डज, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है उसे एक्टिवेट करने का काम करेगा. इस क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन. राइट, दिस इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकेंड. राइट बेटा, एक चीज और मैं मेंशन कर सकती हूं यहीं पर, जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकेंड है दिस इज इनएक्टिव. राइट, सो नाउ इट विल बी एक्टिवेटेड और क्या बन जाएगा इससे? इट विल फॉर्म थ्रोम्बिन. एंड व्हाट दिस थ्रोम्बिन डज, थ्रोम्बिन काम करेगा हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक और क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर जिसका नाम है फिब्रिनोजन. एंड दिस फिब्रिनोजन इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट. ये भी इनएक्टिव स्टेट में है एंड अभी तक ये सॉल्यूबल है, यानी इट इज नॉट इन फाइबर फॉर्म, ये एब्सोल्यूटली एक सॉल्यूबल फॉर्म है. सो सॉरी. राइट बेटा, सो नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही ये थ्रोम्बिन इसके ऊपर एक्ट करेगा जो हमारा फिब्रिनोजन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन. नाउ दिस फिब्रिन इज both active and it is fibrous, धागों के फॉर्म में है. राइट, सो ये जो फिब्रिन है ये क्या करेगा, जैसे ही टिश्यू इंजरी हुई थी तो तुरंत वहां पर अट्रैक्ट होकर कुछ प्लेटलेट्स पहुंची थी खून को रोकने के लिए, क्योंकि उन्हीं का काम तो थक्का जमाने का है. राइट, तो ये क्या करेगा, ये उन प्लेटलेट्स को पकड़ लेगा राइट, और उसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि धागे धागे हैं और इसमें बची खुची जगह ऐसे प्लेटलेट्स ने भर दी और इससे ये थक्का बन गया, खून का बहाव बंद हो गया, यानी इसने क्रिएट कर दिया क्लॉट को. इज दैट क्लियर? सो दैट वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन. एक बार दोबारा ध्यान दे लो बेटा इस चीज पर. टिश्यू इंजरी जैसे ही होती है प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्ड. इस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्ड को नाम दिया जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्ड. ये कैल्शियम की प्रेजेंस में यानी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर फोर्थ की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होगा. ये थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहले लेवल पर इनहिबिट कर देगा हेपेरिन को और साथ ही साथ एक्टिवेट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को टू फॉर्म थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फिब्रिनोजन टू फॉर्म फिब्रिन. एंड जो फिब्रिन है ये प्लेटलेट्स को कैप्चर कर लेगा और खून का एक थक्का एक मैश क्रिएट कर देगा जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट. इज दैट क्लियर? समझ में आई बेटा पूरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म? राइट, सो दैट वाज अबाउट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. अब आप पूछोगे कि मैम इतने सारे नामों को आपने हाईलाइट किया था, सो बेटा दोज आर इंपॉर्टेंट. जो मेजर मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टेंथ वन. इसके अलावा एट्थ एंड नाइन्थ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उनकी डेफिशिएंसी को लेकर के, एंड ट्वेल्थ एंड थर्टींथ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उनके जो बहुत ही अट्रैक्टिव से नेम है हैगमैन फैक्टर एंड लोकी लोरान फैक्टर, उनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं. सो दैट इज ऑल यू नीड अबाउट, यू नीड टू नो अबाउट कोएगुलेशन. नाउ काफी बच्चों के दिमाग में अभी कुलबुलाहट होगी कि मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन के लिए बताया था कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोएगुलेशन और विटामिन के का तो कहीं नाम ही नहीं लिया. सो मैं समझा देती हूँ बेटा कि विटामिन के कोएगुलेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. जो विटामिन के है वो एक्टिवेट करता है
I should not write activate. It promotes actually. ये promote करता है liver को. It promotes liver for release of clotting factor number 2nd, 7th, 9th, and 10th. और इसी वजह से विटामिन के इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोएगुलेशन. इसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. नाउ देर आर सर्टन अदर टॉपिक्स रिलेटेड विद इट. उन चीजों को भी साथ ही साथ यहीं पर पढ़ लें. सो इसी को लेकर के काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था. बेटा रेगिस्तानी कुछ इलाकों में एक स्पेशल टाइप का ट्री मिलता है जिसका नाम है मेरीलोटस एल्बा या स्वीट क्लोवर. होता क्या है, जो इसके बर्ड्स होते हैं वो गिरते रहते हैं और कई बार वो सड़ जाते हैं, राइट. तो उनसे जो मिलने वाली भूसी है, बेसिकली उसको कैटल खाते हैं, मवेशी खा जाते हैं. तो अगर वो क्लोवर, स्वीट क्लोवर की पत्तियां अगर सड़ी हुई हैं, तो उनमें विटामिन के को इनहिबिट करने वाला एक केमिकल बनने लगता है. तो अगर कैटल उस चीज को खा लेंगे तो उनमें विटामिन के नहीं बन पाएगा. एंड इवन कैटल्स हैव गॉट अ सिमिलर काइंड ऑफ कोएगुलेशन मैकेनिज्म. तो विटामिन के की एब्सेंस में उनकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स जनरेट नहीं हो पाते एंड दैट कॉज इंटरनल ब्लीडिंग और उससे उन कैटल्स की डेथ हो सकती है, राइट. सो पहली चीज तो समझ में आई थी कि विटामिन के डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है लिवर को फॉर रिलीज ऑफ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स. इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो उस क्वेश्चन को यही लिख ले. सो वी कैन राइट Kettles feeding on spoiled hay of sweet clover or Mellilotus Alba, right? They have dicumarole in the body which inhibits विटामिन के एंड कैन कॉज इंटरनल हीमरेज. हीमरेज मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग. गॉट दैट बेटा. सो देयर वॉज अबाउट विटामिन के. तो ये हमारी कोएगुलेशन की बात हुई. बट कोएगुलेशन के साथ साथ जरूरी है कि हम समझ लें कि एंटी कोएगुलेंट्स क्या होते हैं. एंटी कोएगुलेंट्स वो है बेटा जो कि अननेसेसरी क्लॉटिंग को रोकते हैं, राइट. जब असलियत में क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होगी केवल तभी ये क्लॉटिंग होने देंगे. सो वी नीड टू नो अबाउट दोज एंटी कोएगुलेंट्स. पढ़ लें अबाउट एंटी कोएगुलेंट्स. राइट बेटा. बच्चे एंटी कोएगुलेंट्स के हम दो सेट पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली बारी है नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स की, यानी जो कि नेचुरली बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में या इनफैक्ट प्लांट्स में भी जनरेट होते हैं. एंड द अदर वन आर आर्टिफिशियल वंस. अब आप बोलोगे मैम आर्टिफिशियल की रिक्वायरमेंट ही क्या है. बेटा आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तब जब आपको किसी ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करवाना है. तो वहां पे आप ये नहीं चाहते ना कि ब्लड का थक्का जम जाए और कोएगुलेटेड ब्लड आपको मिले. सो यू नीड टू पुट सम आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट इन इट सो एज टू प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग, राइट. सो पहले नेचुरल के बारे में बात कर ले. एक एग्जाम्पल तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं अभी अभी. अगर आपने पूरी बात ध्यान से सुनियो, मैकेनिज्म सुना हो, सो द फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड दैट वाज हेपरिन. किसका एंटी कोएगुलेंट है बेटा? ये एंटी कोएगुलेंट है
ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला। इसी तरीके से जो लीच होता है हिरुडेनेरिया, राइट, दे हैव गॉट एंटीकोएगुलेंट कॉल हिरुडेन, और इसी वजह से अगर कहीं पर लीच चिपकेगा तो वहां पर ब्लड फ्लो कंटिन्यूस रहेगा ताकि लीच आसानी से उसे सक कर सके। सिमिलरली एनोफिलिन दैट इज फाउंड इन मस्कीटो नेम्ड एनोफिलीज, और इसी वजह से जब मच्छर काटता है तो वहां पर भी ब्लड फ्लो कंटिन्यूस बना रहता है फॉर देयर इजी ब्लड मील, राइट। नेक्स्ट वन, हल्दी में आपने कभी सुना होगा कहीं चोट लग गई है तो हल्दी मिलाकर के दूध दिया जाता ताकि अंदर कहीं पर अगर चोट लगी हुई है, अंदर कहीं पर हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई ब्लड क्लॉट क्रिएट हो गया तो तुरंत पिघल जाए, बिकॉज इट इज गॉट। कुरकुमिन, राइट, इट्स इन कुरकुमा, लौंगा और टर्मरिक। ऐसे ही और भी कई नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं बेटा, जैसे कि माइक्रोब्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम, राइट, स्ट्रेप्टोकाइनेज हुआ। इसी तरीके से टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर हुआ। सिमिलरली वॉरफरिन नाम का एक केमिकल हुआ। ये जो तीनों हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन तीनों का मेडिसिनल यूजेज है। दीज थ्री दे आर यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक या कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर भी ब्लड कोएगुलेशन हुई है, राइट। सो दीज थ्री आर यूज्ड टू डिजॉल्व क्लॉट इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पेशेंट्स, आई मस्ट राइट हार्ट पेशेंट्स, या एथेरोस्क्लेरोसिस लिख सकती हूँ, बट आगे पढ़ाऊंगी एथेरोस्क्लेरोसिस। दैट्स अ कंडीशन जहां पर ब्लड कोएगुलेट करके रास्ता ब्लॉक कर देता है, कैपिलरीज को नैरो डाउन कर देता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिफिशियल वंस, आर्टिफिशियल्स यूज किए जाते हैं इन ब्लड बैंक, यूज्ड इन ब्लड बैंक्स। कौन कौन से हैं बेटा ये? इनमें सबसे पहला है EDTA, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, ब्लड कोएगुलेशन होने नहीं देगा। राइट, नेक्स्ट वन इज सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट। ये क्या करेंगे बेटा, इनका जो ऑक्सलेट है वो कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा। सो ऑक्सलेट बाइंड्स विद कैल्शियम आयन प्रिवेंटिंग ब्लड कोएगुलेशन। राइट बेटा, सिमिलरली एक आर्टिफिशियली यूज होने वाला एंटीकोएगुलेंट, दो इट्स नॉट अ केमिकल एंटीकोएगुलेंट, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर भी इसी चीज में मदद करता है। इसी वजह से जो ब्लड बैंक्स हैं वहां पर ब्लड को बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रखा जाता है, राइट। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो प्रिवेंट्स कोएगुलेशन।
Is that clear? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? So that was all we need to know about blood coagulation, anticoagulants, vitamin K, etc. Right? So that was the first application of blood. आगे पढ़ लेते हैं about the second application, that is blood transfusion. And before that, we need to know about the blood group. Is that clear, बेटा?